हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WWE रेसलिंग टॉक्स। WWE रेसलिंग टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि आप हमारे एक भी वीडियो को मिस ना करें। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में, और मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को सारे WWE वर्ल्ड चैम्पियंस के नाम। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट तक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप अभी रॉ ब्रांड में है, और ये चैम्पियनशिप एस्टेब्लिश हुआ था 25 अप्रैल 1963 में। WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप के और भी बहुत सारे नाम हुआ करते थे, और वो है WWWF हैवीवेट चैम्पियनशिप, और ये नाम 1971 से लेकर 1979 तक यूज़ होता था। उसके बाद 1979 से 1983 तक चैम्पियनशिप का नाम था WWF हैवीवेट चैम्पियनशिप, और उसके बाद 1983 से 1998 तक चैम्पियनशिप का नाम होता था WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। 1998 से 2001 तक चैम्पियनशिप का नाम था WWF चैम्पियनशिप, और 2001 से 2002 तक चैम्पियनशिप का नाम था अनडिस्प्यूटेड WWF चैम्पियनशिप, बट 2002 के ईयर में ही सिर्फ चैम्पियनशिप का नाम था WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप। WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप नाम यानी कि चैम्पियनशिप का करंट नेम का भी यूज़ हुआ था 2002 से 2013 तक, पर बीच में 3 सालों के लिए मतलब 2013 से 2016 तक चैम्पियनशिप का नाम बदल कर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप हो गया था, पर 2016 से अब तक इसका नाम WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। फर्स्ट चैम्पियन मतलब जिस रेसलर ने सबसे पहले WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीता था, उनका नाम है बडी रॉजर्स, अप्रैल 25, 1963 में। WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जिसने सबसे ज़्यादा बार जीता है, उनका नाम है जॉन सीना, और वो जीते हैं 13 बार, और उन्होंने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप को जीता है 3 बार। लॉन्गेस्ट रनिंग चैम्पियन है ब्रूनो सामार्टिनो, और उन्होंने चैम्पियनशिप को होल्ड किया था 2803 दिन तक, जो कि लगता है फ्यूचर में किसी भी रेसलर के लिए पॉसिबल नहीं है। और शॉर्टेस्ट रनिंग चैम्पियन है आंद्रे द जायंट, और उन्होंने चैम्पियनशिप को होल्ड किया था 1 मिनट और 48 सेकंड्स तक। ओल्डेस्ट चैम्पियन है WWE कंपनी के ओनर मिस्टर विंसेंट केनेडी मैकमैन, और तब उनका एज था 54 ईयर्स एंड 21 डेज। एंड यंगेस्ट चैम्पियन है हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, और तब उनका एज था 25 ईयर्स एंड 44 डेज। हैवीएस्ट चैम्पियन है योकोजुना फ्रॉम जापान, और तब उनका वेट था 568 पाउंड्स। और लाइटेस्ट चैम्पियन है रे मिस्टेरियो, और उनका वेट है 175 पाउंड्स। WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक लौटा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था 2016 तक, बट उसके बाद WWE ने इंट्रोड्यूस किया और भी 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिनका नाम था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जो कि था रॉ ब्रांड में, और NXT चैम्पियनशिप जो कि था NXT ब्रांड में। 2016 से 2019 तक WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्मैकडाउन ब्रांड में था, पर क्राउन ज्वेल 2019 में द फिन ब्रे वाइट ने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीता, और उसी दिन ब्रॉक लेसनर ने भी WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप को रिटेन किया केन वेलास्केस के अगेंस्ट, और फिन स्मैकडाउन ब्रांड में ड्राफ्ट हो गए। पर एक ही ब्रांड में दो वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं हो सकती, इसीलिए ब्रॉक लेसनर ने स्मैकडाउन को क्विट कर दिया और रॉ पर चले गए, और उनका राइवलरी रे मिस्टेरियो के साथ स्टार्ट हो गया। करेंट WWE वर्ल्ड चैम्पियन है स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 36 में हराया और बन गए हमारे न्यू WWE वर्ल्ड चैम्पियन। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उन सारे रेसलर्स के बारे में जिन्होंने जीता है WWE वर्ल्ड चैम्पियनशिप को 2010 से 2020 तक। 21 फरवरी 2010 में जॉन सीना ने जीता था, उसके बाद बटिस्टा ने जीता, और उसके बाद फिर से जॉन सीना ने जीता, उसके बाद द केल्टिक वॉरियर शेमस ने, उसके बाद द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने, उसके बाद द हॉलीवुड एलिस्टर मिज ने, उसके बाद फिर से जॉन सीना ने जीता, और उसके बाद द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक ने, उसके बाद रे मिस्टेरियो ने, और उसके बाद फिर से जॉन सीना ने जीता, उसके बाद CM पंक ने, फिर अल्बर्टो डेल रियो ने, और फिर जॉन सीना ने,
उसके बाद फिर से अल्बर्टो डेल रियो ने जीता, उसके बाद सीएम पंक ने जीता, उसके बाद रॉक ड्वेन जॉनसन ने जीता, और उसके बाद और एक बार जॉन सीना ने जीता, उसके बाद डैनियल ब्रायन ने जीता, फिर वाइपर रैंडी ऑर्टन ने, फिर डैनियल ब्रायन ने, फिर रैंडी ऑर्टन ने, और उसके बाद डैनियल ब्रायन ने जीता, उसके बाद फिर से जॉन सीना ने जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप को। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया WWE में UFC से और जीता WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने, फिर द बिग डॉग रोमन रेंस ने, फिर कल्टिक वायर शेमस ने, और फिर से द बिग डॉग रोमन रेंस ने, फिर द गेम ट्रिपल एच ने, फिर रोमन रेंस ने, और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने, फिर द लुनेटिक फ्रिंच डीन एम्ब्रोज ने, फिर द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स ने, फिर से जॉन सीना ने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता पर द रॉयल रंबल 2017 में। पर आज तक उन्होंने उसके बाद से एक भी चैंपियनशिप नहीं जीता, और सीना के बाद चैंपियनशिप को जीता था ब्रे वाइट ने एलिमिनेशन चैम्बर 2017 में। और उस मैच में और भी पार्टिसिपेंट्स थे, जैसे कि एजे स्टाइल्स, किंग कॉर्बिन, डीन एम्ब्रोस और द मिज। उसके बाद रैंडी ने जीता रेसलमेनिया 33 में, और फिर हमारे इंडिया के शेर द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल ने जीता WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को बैकलैश PPV 2017 में। फिर एजे स्टाइल्स ने जीता एक स्मैकडाउन के शो में, और उन्होंने टाइटल को होल्ड किया लगभग एक साल तक। और उसके बाद डैनियल ब्रायन ने भी स्मैकडाउन के शो में जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप को। और उसके बाद WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था कोफी किंगस्टन ने रेसलमेनिया 35 में, और कोफी के इस मोमेंट को मोमेंट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने 8 सेकंड्स में जीत लिया था चैंपियनशिप को स्मैकडाउन के 20th एनिवर्सरी में, पर उनका रेन खत्म हो गया स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर के हाथों रेसलमेनिया 36 में, जब ड्रू ने लगाया 4 क्लेमोर किक्स। और इसी तरह ड्रू मैकइंटायर है हमारे करंट WWE वर्ल्ड चैंपियन। अब हम बात करने वाले हैं कि किन रेसलर्स ने WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को सबसे ज़्यादा दिनों तक होल्ड किया है अपने रेसलिंग करियर में। पहले नंबर पर है ब्रूनो सामार्टिनो, जिन्होंने 4040 दिनों तक चैंपियनशिप को होल्ड किया है। उसके बाद है हॉलीवुड हल्क होगन, फिर बॉब बैकलैंड, उसके बाद जॉन सीना जिनका कंबाइंड रेन है 1387 डेज, उसके बाद पेड्रो मोरालेस, फिर ब्रॉक 758 दिन तक, फिर रैंडी ऑर्टन जिन्होंने होल्ड किया 658 दिन तक, उसके बाद ब्रेट हार्ट, फिर ट्रिपल एच 611 दिन तक, उसके बाद स्टोन कॉल स्टीव ऑस्टिन 529 दिन तक, उसके बाद माचो मैन रैंडी सैवेज, उसके बाद एजे स्टाइल 511 दिन तक, उसके बाद द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक जिन्होंने होल्ड किया है टाइटल को 462 डेज तक, शॉन माइकल्स 396 दिन, फिर द रॉक ड्वेन जॉनसन 378 डेज, उसके बाद डीजल, फिर कर्ट एंगल 299 डेज, उसके बाद अल्टीमेट वॉरियर, फिर योकोजुना, फिर जॉन ब्रैडशो लेफील्ड, उसके बाद द अंडरटेकर 238 दिन तक, उसके बाद द बीस्ट स्लेयर सेथ रॉलिंस 220 दिन तक, उसके बाद द लीडर ऑफ यस मूवमेंट डैनियल ब्रायन 210 दिन तक, उसके बाद द केल्टिक वॉरियर शेमस 183 दिन तक, उसके बाद कोफी किंगस्टन 180 दिन, उसके बाद द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल 170 दिन, उसके बाद मिस 160 दिन, उसके बाद द रेटेड आर सुपरस्टार एज 139 दिन तक, उसके बाद एडी गुरेरो, फिर द बिग डॉग रोमन 118 दिन तक, उसके बाद द नेचर बॉय रिक फ्लेयर 118 दिन तक, उसके बाद क्रिस जेरिको 98 दिन तक, उसके बाद अल्बर्टो डेल रियो, फिर डीन एम्ब्रोस 84 दिन तक, उसके बाद बिग शो 78 दिन तक, उसके बाद ब्रे वाइट 49 दिन, उसके बाद मैनकाइंड और जेफ हार्डी 47 डेज तक, उसके बाद बटिस्टा 37 दिन तक, उसके बाद बडी रॉजर्स 36 दिन तक, और लास्ट में है हमारे करंट WWE वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकइंटायर जिन्होंने टाइटल को होल्ड किया है अब तक 25 दिन तक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उन रेसलर्स के नाम जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार जीता है WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को। पहले नंबर पर है जॉन सीना, जिन्होंने जीता है 16 बार, उसके बाद ट्रिपल एच 14 बार, रैंडी ऑर्टन 13 बार, एज 11 बार, द रॉक ड्वेन जॉनसन 10 बार, द अंडरटेकर 7 बार, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, हल्क होगन, कर्ट एंगल, बटिस्टा, क्रिस जेरिको और सीएम पंक ने जीता है 6 बार, ब्रेट हार्ट, बिग शो और ब्रॉक लेसनर ने जीता है 5 बार, शॉन माइकल्स, क्रिश्चियन, अल्बर्टो डेल रियो, डैनियल ब्रायन, शेमस और द बिग डॉग रोमन रेंस ने जीता है 4 बार, और मैनकाइंड, बुकर टी, जेफ हार्डी, द डीमन केन और रे मिस्टेरियो ने 3 बार जीता है चैंपियनशिप को।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। और आप कर सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। बाय बाय।